चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से तबाही मचा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से परेशान है, लेकिन चीन से शुरू हुआ वायरस जब वापस से चीन लौटा तो चीनी डॉक्टर्स परेशान हो गए और इस बार ये वायरस चीन में रूप बदल कर लौटा है और इस बदले हुए वायरस पर फिलहाल चीन में रिसर्च भी चल रही है। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे कोरोना को काबू करने वाला जो देश चीन है वो इस बदले हुए वायरस से किस तरह से और भी ज्यादा परेशान हो रहा है। अपने यहाँ कोरोना के प्रकोप को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स वाले प्रदेश है जिलियन और हे लियोंगचंग में जो लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं उनमें लक्षण जो है वो अलग दिख रहे हैं। यानी जो वुहान में जो कोरोना वायरस की चपेट में जो मरीज आए थे उनके जो लक्षण है और यहाँ पे जो लक्षण दिख रहे हैं वो अलग अलग है, और इस तरह से संक्रमण के नए क्लस्टर बनने से देश में दोबारा से कोरोना वायरस को लेकर जो लहर दिख रही है उससे वहां पे बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। चीन के जिलिन में तेजी से कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है और साथ ही साथ वुहान शहर में भी कोरोना का केस दिखने के बाद वहां पर भी टेस्टिंग जो है वो लगातार जारी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये संक्रमण दिख रहे हैं जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें जो केसेस है वो अलग है, संक्रमण अलग है। दरअसल नेशनल हेल्थ कमीशन के सदस्य रहे और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के एक्सपर्ट क्वी हाइबो के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के जो मरीज हैं उनमें जो वायरस दिख रहे हैं वो वायरस जो वुहान शहर के जो मरीज हैं उनके जो तुलना में ये जो संक्रमण है ये मरीज है वो उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लंबा है। क्वी हाइबो के मुताबिक ये नए केस अलग है, इनमें रोग पनपने का समय लंबा है और इस दौरान मरीज में कोई लक्षण नहीं होते, इससे आसानी से कोरोना संक्रमण फैल जाता है। इसमें से ज्यादातर लोगों में बुखार भी नहीं है, बस मरीज में थकान होती है और गला दर्द होता है। आपको बता दें कि क्वी हाइबो का दावा है कि इस बार कोरोना के जो लक्षण नजर आ रहे हैं वो पहले की तरह नहीं है, यानी बुखार, गला खराब होना या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह के लक्षण अब नजर नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से ज्यादा चिंता जो है वो जताई जा रही है। क्वी हाइबो ने आगे बताया, वुहान में हमने देखा कि मरीजों के फेफड़े, दिल, किडनी और पेट की आंतों को नुकसान पहुंच रहा था, पर विदेश से जो कोरोना केस आ रहे हैं उनमें सिर्फ फेफड़ों में ज्यादा नुकसान हो रहा है और बाकी अंग पूरी तरह से ठीक बने हैं। तो वहीं चीनी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चीन में 82,000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं और चीन में 4,634 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। तो वहीं एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि सिर्फ लक्षण ही नहीं जीन सीक्वेंस में भी जो ये कोरोना का जो वायरस है वो पहले वालों वायरस से अलग है। तो वहीं क्यूए हाइबो के मुताबिक जीन सीक्वेंस की बात करें तो नए केसों में जो विदेश से आए हैं उनमें फर्क है, नए केसों का वायरस हुआई से मिले वायरस से बदला हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनमें जो विदेशी लोग हैं उसकी वजह से कोरोना वहां पहुंचा हो, और हालांकि इसी वजह से वहां पर जो प्रभाव है कोरोना का वो अलग है। हालांकि वायरस किस देश से वहां पर पहुंचा है इस बारे में तो उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन आपको बता दें कि दोनों प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वो रूसी बॉर्डर से जुड़ी हुई है। अब आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हैप्पी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।